नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक ज्योतिषीय चर्चा को लेकर। अभी तक इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं उनमें आपने जाना कि जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव किस चीज़ को दर्शाता है। हमने लग्न को जाना, हमने राशि को जाना, हमने एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ चीज़ें जानी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर उस प्रत्येक भाव के स्थायी कारक कौन से ग्रह हैं। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि किस भाव से किस चीज़ का विचार किया जाता है। अब किसी भी चीज़ का विचार करने के लिए उस चीज़ से संबंधित कारक को जानना भी ज़रूरी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जन्म कुंडली में धन का विचार करना चाहते हैं तो आपने जाना कि जन्म कुंडली का द्वितीय भाव धन का भाव होता है। अब उसके बाद में हमको धन की स्थिति को देखने के लिए जन्म कुंडली में धन के कारक ग्रह जो होते हैं उनकी स्थिति को भी देखना होगा। जैसे धन की स्थिति को देखने के लिए हमने द्वितीय भाव को देखा और धन के कारक यानी कि देव गुरु बृहस्पति उनकी स्थिति को भी हमें देखना होगा। दूसरा भाव, दूसरे भाव के मालिक, साथ ही साथ गुरु की स्थिति को जब हम देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि इस जातक की जन्म कुंडली में धन की स्थिति क्या रहने वाली है। इसी के साथ साथ द्वितीय भाव से जैसे धन का विचार किया जाता है तो उसी भाव से वाणी का भी विचार किया जाता है। तो यहाँ पर हम अगर वाणी की बात करेंगे तो द्वितीय भाव पति, साथ ही साथ वाणी का हम विचार कर रहे हैं तो वाणी के कारक बुध की स्थिति को भी जन्म कुंडली में देखना होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे और अब मैं आपको बताता हूँ कि किन भावों के स्थायी कारक कौन से ग्रह हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जन्म कुंडली के प्रथम भाव से यानी कि लग्न से। लग्न में दो ग्रह कारक होते हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अगर विचार करना है तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को भी देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में आ जाते हैं। द्वितीय भाव के स्थायी कारक ग्रह गुरु हैं। क्यों? क्योंकि वहां से मेनली हमें धन का विचार करना होता है और आगे उस भाव से संबंधित चीज़ों का अगर विचार करना है तो धन का विचार करना है तो धन के कारक देव गुरु बृहस्पति हो जाएंगे। वाणी का विचार करना है तो वाणी के कारक बुध हो जाएंगे। स्वाद का विचार, क्योंकि द्वितीय भाव से ही जिह्वा का विचार किया जाता है क्योंकि वो मुंह के अंदर ही होती है, तो स्वाद के कारक शुक्र हो जाएंगे। द्वितीय भाव से सीधी आँख का भी विचार किया जाता है तो राइट आई के कारक सूर्य हो जाएंगे। और द्वितीय भाव से भोजन का भी विचार करते हैं तो भोजन के कारक यहाँ पर चंद्रमा हो जाएंगे। तो अगर हमको द्वितीय भाव से विचार करना है धन का तो गुरु की स्थिति, वाणी का तो बुध की स्थिति, स्वाद का विचार करना है तो शुक्र की स्थिति, सीधी आँख का विचार करना है तो सूर्य की स्थिति, और भोजन का विचार करना है तो चंद्रमा की स्थिति को देखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और तृतीय भाव पर आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं तीसरे भाव को जन्म कुंडली में पराक्रम का भाव कहा जाता है और पराक्रम के कारक हैं मंगल, तो यहाँ पर स्थायी कारक मंगल हो जाते हैं। अब अगर हमको बल का विचार करना है, पराक्रम का विचार करना है, छोटे भाई या छोटी बहन का विचार करना है तो हम मंगल की स्थिति को देखेंगे। संचार का विचार करना है, कौशल का विचार करना है या कम्युनिकेशन स्किल्स का विचार करना है क्योंकि वो भी थर्ड हाउस से ही किया जाता है तो हम बुध की स्थिति को देखेंगे। यातायात, यातायात के कारक भी शनि होते हैं और यातायात का विचार भी तृतीय भाव से ही किया जाता है, तो अगर यातायात का विचार करना है तो शनि की स्थिति को भी देखना होगा। आगे बढ़ते हैं और चतुर्थ भाव पर आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चतुर्थ भाव से माँ का विचार किया जाता है तो इस भाव के स्थायी कारक हो जाएंगे चंद्रमा, क्योंकि माँ के कारक हैं चंद्रमा। मन का विचार भी
चौथे भाव से किया जाता है। माता का विचार जैसा मैंने आपको बताया तो चंद्रमा कारक हो गए। भवन का विचार, भूमि भवन और वाहन का विचार भी यहाँ से किया जाता है, तो भूमि के कारक यानी भूमिपुत्र मंगल का विचार यहाँ करना होगा, और भवन का विचार में भी मंगल, और साथ ही साथ अगर वाहन का विचार करना है हमको तो शुक्र की स्थिति को देखना होगा। मैट्रिक शिक्षा का विचार भी इस भाव से कुछ हद तक किया जाता है, तो बुध की स्थिति को भी हमें देखना ज़रूरी है। कृषि योग्य भूमि का विचार शनि से, यानी कि आपके पास ज़मीन है लेकिन आप उसमें खेती करना चाहते हैं तो आपको शनि की स्थिति को देखना होगा। आगे बढ़ते हैं और पंचम भाव पे आते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं पंचम भाव संतान का है, पंचम भाव ज्ञान का है। संतान के कारक गुरु हैं, ज्ञान के कारक भी गुरु हैं, तो स्थायी कारक इस भाव के हो गए गुरु। संतान और ज्ञान का विचार करना है तो गुरु की स्थिति को देखेंगे। शिक्षा का विचार अगर करना है मैट्रिक के बाद की तो बुद्ध की स्थिति को भी देखना होगा, क्योंकि बौद्धिक स्तर जातक का देखना होगा। साथ ही साथ पंचम भाव से भावनाओं का भी विचार किया जाता है, तो भावनाओं के लिए चंद्रमा की स्थिति को देखना होगा। और लव अफेयर का विचार, क्योंकि प्रेम भी एक तरह की भावना है, तो लव के कारक यहाँ पर शुक्र बन जाएंगे, तो अगर प्रेम का विचार कर रहे हैं तो शुक्र की स्थिति को भी देखना होगा। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान में आ जाते हैं, यानी कि सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस के स्थायी कारक मंगल होते हैं। शत्रु का विचार अगर करना है, लड़ाई झगड़े का अगर विचार करना है तो मंगल की स्थिति को देखना होगा। रोग का विचार अगर करना है तो रोग के कारक शनि हो जाते हैं, तो शनि की स्थिति को देखना होगा। और षष्ठम स्थान जो होता है वो चौथे स्थान से तीसरे स्थान पे आता है, और चौथा स्थान माँ का है तो माँ के घर से तीसरा स्थान, यानी कि माँ का भाई तो हो गया मामा। तो अगर मामा पक्ष का विचार करना है तो बुध से करना होगा। और किसी बच्चे को गोद लेना या किसी भी चीज़ को गोद लेना, एडॉप्ट करना, तो इसके कारक बुध हो जाते हैं, तो एडॉप्शन के कारक बुध हो जाते हैं, और एडॉप्शन का विचार भी सिक्स्थ हाउस से किया जाता है। तो अगर हम एडॉप्शन का विचार कर रहे हैं तो बुध की स्थिति को भी देखना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे आ जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है, तो इस भाव के स्थायी कारक शुक्र हो गए, क्योंकि वो दाम्पत्य के कारक हैं। अब अगर स्त्री की बात चल रही है तो पति के कारक को देखना होगा, क्योंकि स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव पति का भाव हो जाएगा, तो पति के कारक हो गए गुरु, तो गुरु को भी यहाँ कारकत्व मिलता है। पुरुष की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये पत्नी का भाव हो जाएगा, तो शुक्र पत्नी के कारक हो गए। और इस भाव से पार्टनरशिप का भी विचार करते हैं तो गुरु की स्थिति को भी देखना होगा। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पे आ जाते हैं। अष्टम भाव आयु का भाव है, इसीलिए यहाँ के स्थायी कारक शनि हो जाते हैं। अष्टम भाव से ही आयु का विचार किया जाता है, तो शनि महिला के सौभाग्य का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है, तो गुरु की स्थिति को देखना होगा। और दुर्घटना का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है, तो दुर्घटना के कारक हैं मंगल, तो मंगल की स्थिति को भी देखना होगा। आगे बढ़ जाते हैं नवम भाव। नवम भाव मेनली हमारे भाग्य का भाव है, साथ ही साथ हमारे धर्म का भाव है, और भाग्य के कारक, धर्म के कारक हैं देव गुरु बृहस्पति, तो स्थायी कारक हो जाते हैं गुरु। नवम भाव से पिता के सुख का भी विचार किया जाता है, तो सूर्य की स्थिति को देखना होगा। और धर्म, दान, पुण्य का विचार भी यहाँ से किया जाता है, तो गुरु की स्थिति को देखना ही होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। आगे बढ़ जाते हैं और दशम भाव पे आ जाते हैं। अब दशम भाव में ऑलमोस्ट सभी ग्रह कारकत्व अपना ले लेते हैं, एकमात्र शुक्र को छोड़कर। शुक्र यहाँ पर अपना प्रभाव अच्छा नहीं दे पाते, जिसका कारण क्या है वो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। दशम भाव के स्थायी कारक सूर्य को कहा गया है, मंगल यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, तो सूर्य और मंगल यहाँ पर अच्छा रिजल्ट करते हैं। दशम भाव से आजीविका का विचार किया जाता है, और आजीविका के कारक हैं शनि, तो कर्म या नौकरी के कारक शनि को भी यहाँ कारकत्व मिलता है। पिता का विचार दशम भाव से किया जाता है, और सरकार का विचार भी दशम भाव से किया जाता है, तो सूर्य। व्यापार के कारक बुध हैं, तो बुध का विचार, बुध भी यहाँ पर कारक हो जाते हैं, क्योंकि व्यापार भी एक तरीके की आजीविका ही है। आज का ये जो परिवेश चल रहा है इसको कलयुग कहा जाता है, तो यहाँ पर राहु भी अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, राहु को भी यहाँ अच्छा कारकत्व मिलता है, राजनीति वगैरह में जातक को अच्छी सफलता दे देते हैं। और बाकी आजीविका के अकॉर्डिंग इस भाव में ग्रह कारकत्व अपना लेते रहते हैं, तो दशम भाव में ऑलमोस्ट सभी ग्रह कारक होते हैं। आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में आ जाते हैं। 11वां भाव जो है
वहाँ का स्थायी कारक देव गुरु बृहस्पति हैं। यहाँ से क्योंकि लाभ का विचार किया जाता है, आय का विचार किया जाता है, और आय भी एक प्रकार का धन हुआ, तो यहाँ के स्थायी कारक हो गए गुरु। बड़े भाई का विचार भी यहीं से किया जाता है, तो बड़े भाई के कारक हो गए गुरु। कोई भी चीज़ बड़ी है तो वहाँ गुरु हैं। मौज मस्ती और लाभ का विचार भी यहाँ से किया जाता है, तो उनके कारक हो गए शुक्र। आगे बढ़ जाते हैं और द्वादश भाव में आ जाते हैं। द्वादश भाव व्यय का स्थान है और यहाँ पर स्थायी कारकत्व शनि के पास में चला जाता है। बारहवें भाव से खर्च का विचार, तो अस्पताल में खर्च होगा तो मंगल की स्थिति को देखना होगा। जेल में अगर खर्च होगा, जेल कोर्ट कचहरी में अगर खर्च होगा तो शनि को देखना होगा, क्योंकि ये वहाँ के कारक हैं। द्वादश भाव से नींद का भी विचार किया जाता है। अब नींद, एक सुखी नींद अगर हम चाहते हैं तो सैया सुख अगर हमें देखना है तो शुक्र की स्थिति को देखना होगा। बारहवें भाव से ही लेफ्ट आई यानी कि उल्टी आँख का विचार किया जाता है, तो चंद्रमा का विचार हमें करना होगा। और बारहवां भाव विदेश का भी भाव है, तो विदेश यात्रा के लिए राहु का विचार करना होगा। और बारहवें भाव से ही मोक्ष का विचार भी किया जाता है, तो यहाँ पर हमें केतु की स्थिति को भी देखना होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हमने प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव पर्यंत सभी भावों के स्थायी कारक के बारे में जाना। आगे आने वाले वीडियो में हम विचार करेंगे कि किस ग्रह से और किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, यानी कि डीप में, एक डीप नॉलेज के लिए आगे आने वाले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक वीडियो के कमेंट सेक्शन में से किसी एक व्यक्ति की जन्मकुंडली का चयन किया जाएगा एवं उस जन्मकुंडली से संबंधित किसी एक सवाल का जवाब निःशुल्क दिया जाएगा। इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित जानकारी, जैसे कि आपका नाम, जन्म की तिथि, जन्म का समय एवं जन्म का स्थान, किसी एक प्रश्न के साथ कमेंट सेक्शन में दें। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सबके समक्ष एक नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।